बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और जो दो इश्यूज और दो ख़बरें आपके साथ डिस्कस करनी है, एक तो ख़बर मैंने डिस्कस करनी है IMF के हवाले से, और दूसरी मैंने डिस्कस करनी है पाकिस्तान में जो इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन और इंस्टेबिलिटी है उसके इकॉनमी पर पड़ने वाले असरात के बारे में मैंने बात करनी है। तो इसको उल्टे तरीके उल्टे उससे शुरू करते हैं, पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। आज इमरान खान साहब की पेशी के मौके पे वही प्रोसेस जो कि 2017-18 में यानी 16 के बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बारे में शुरू हुआ था, उसी प्रोसेस का शिकार आज इमरान खान साहब हैं। एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी को किस तरह से कट टू इट्स थ्रो करने वाला मामला जो है, कट टू इट्स साइज करने वाला जो मामला है, वो प्रोसेस जारी है। उस ज़माने में भी आपको याद होगा कि एक तो केसेस बनाए गए, और वो केसेस जो बनाए गए उसकी बुनियाद पे उनको ये साबित करने की कोशिश की गई कि वो करप्ट हैं, नाअहल हैं, इनएफिशिएंट हैं, हर तरह की जो एक इंसान और एक लीडर के अंदर बुराई हो सकती है वो बुराई उनके अंदर दिखाई गई। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान में जैसे नज़र आता है वैसे नहीं होता, और जैसे नहीं होता वैसे दिखाई देता है। तो वो प्रोसेस, एक प्रोसेस चलाया गया, और उस प्रोसेस का अंजाम 2018 में वो जो एक पूरा RTS का सिस्टम था उसको बंद करके वो प्रोसेस मुकम्मल किया गया, और PTI को एक सादा अक्सरियत दिखाई गई। देखें, इमरान खान साहब को जिस तरह से टेलीविज़न की स्क्रीन और उनके जो वॉरियर्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया 2016 से लेके 2018 तक, उसके नतीजे में इमरान खान साहब की मकबूलियत में भी इजाफा हुआ। और वो कोई शक नहीं है इसके अंदर कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी ज़्यादा उस टाइम भी थी, और उसके बाद ग्रेजुअली 2014 से लेके 2018 तक उसमें बेइंतहा इजाफा हुआ। 2018 में उनको सादा अक्सरियत मिल गई। अब फिर वही प्रोसेस उनके खिलाफ, जिस तलवार के धारे से उनके मुखालफीन को काटा गया था, अब वही तलवार उल्टी चलनी शुरू हो गई है, और इमरान खान साहब को कट टू इट साइज करने का प्रोसेस जारी है। उसमें आप देख लें कि उस प्रोसेस में वही काम उनके हामियों के साथ भी है, केसेस बनाए जा रहे हैं। एक जगह से केस खत्म होता है तो दूसरी जगह पे केस जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो डिफरेंट ये है कि जो मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर था वो वोट डालने की हद तक तो उनकी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वो स्ट्रीट में आके स्ट्रीट पावर कर दिखाना, वायलेंस करना शायद उनके बस का रोग नहीं था। तो इसीलिए मुस्लिम लीग नून कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकी उस तरह से। अब ये जो इमरान खान साहब वाला मामला है ये इंटायरली डिफरेंट है। एक तो ये टेक्नोलॉजी सेवियर किस्म के लोग हैं, दूसरा ये फैन क्लब ज़्यादा है, पॉलिटिकल पार्टी भी है, कोई शक नहीं है कि उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इस टाइम, मैसिव उनकी फॉलोइंग भी है, सपोर्ट भी है। और PTI इस टाइम मैं समझता हूँ अपनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से अपने पीक के ऊपर है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो आगे से रेजिस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुखालफीन जो दिल्ली कहते रहे हैं, ये जो लाहौर का जलसा था ये कोई नाकाम जलसा नहीं, कम अज़ कम इसको करार दिया जा सकता। आप 2010 या 2013-14 के जलसों से इसको कंपैरिजन ना करें, उस ज़माने में इनको बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, और उस ज़माने में जो जनरल पाशा और फिर जनरल ज़हीर इस्लाम अब्बासी और फिर इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी लोग आते रहे वो उनकी उनके जो बैक सपोर्ट थी उसके नतीजे में इमरान खान साहब जो है वो
अपनी जो स्ट्रैटेजी थी उसको करते थे। अब वो जो सारी स्पोर्ट है वो ख़त्म हो चुकी है, तो अपने बलबूते पे अगर कोई पार्टी इतने मुश्किल हालात में कि जब कंटेनर्स भी लगे हों, प्रॉब्लम्स भी हों, मारकुटाई का अमल भी जारी हो, तो इस तरह का जलसा करना इस बात की निशानदेही करता है कि उनके साथ लोग हैं। और ख़ासकर लाहौर में, लाहौर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का दिल है, तो अगर वहाँ पे उनको इतनी मैसिव सपोर्ट है तो इसका मतलब है ग्रास रूट लेवल पे और बाकी शहरों के अंदर भी उनको काफ़ी सपोर्ट हासिल है। कहने का मकसद ये है कि जो प्रोसेस 2016 से 2018 तक नंगे तरीके से PMLN के ख़िलाफ़ शुरू किया गया था, अब वही प्रोसेस 2023 में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जारी व सारी है। लेकिन थोड़ा सा उनको मेरे ख़्याल में एक चीज़ पे मैं बात करके इकॉनमी पे आ जाता हूँ। इमरान खान साहब को देखें, जो अच्छा पॉलिटिकल लीडर हो उसको डायलॉग का रास्ता ओपन रखना चाहिए। अगर आप तमाम लोगों से एक वक्त साइमल्टेनियसली लड़ाई मोल लेंगे और अपने अलावा आपको कोई भी नज़र ना आए और आप ये समझें कि मैं ही अल्टीमेट हूँ और मुझे ही सब कुछ पता है, जो मेरे साथ है वो दूध का धुला हुआ है और जो मेरे मुखालिफ है वो दुनिया का सबसे बदतर आदमी है, ये कोई साइकोलॉजिकल पेशेंट तो हो सकता है, ये कोई सियासी लीडर नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करें और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अपना डायलॉग ओपन करें। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी डायलॉग, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो डायलॉग ओपन करने की ख्वाहिश रखते हैं, वो ख्वाहिश वजह ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट को, वो चाहते ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनकी हामी हो जाए। देखें, मेरा ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को ना किसी का हामी होना चाहिए ना किसी का मुखालिफ होना चाहिए। उन्हें आइन और कानून के तहत जो उनके दायरा इख्तियार है उसके अंदर रह के उनको काम करना चाहिए ऑन मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस। शॉर्ट टर्म बेसिस में उनको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठें और एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी के ऊपर बात करें, इलेक्शन होने हैं नहीं होने, कब होने हैं, किस तरह से होने हैं, इस सेंसिस पे होने हैं या पुराने सेंसिस पे, अभी नया सेंसिस पॉपुलेशन सेंसिस पाकिस्तान में हो रहा है, इस नए सेंसिस की बुनियाद पे होने हैं पुराने सेंसिस की बुनियाद पे होने हैं, एक सर्टेनिटी हो ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें। अब इसी से जुड़ी हुई इकॉनमी की बात, इकॉनमी की बात ये है कि रात को फाइनेंस मिनिस्टर ICCI के एक अफ्तार डिनर में थे और उन्होंने वहाँ पे खिताब करते हुए कहा कि जल्द ही IMF और पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, आइंदा चंद दिनों की उन्होंने बात की है। अब देखना यह है, मैं अपने देखने वालों को थोड़ी सी एक बात करके मैं अपने वीलॉग्स में इजाज़त चाहूँगा कि 10 फरवरी को भी फाइनेंस मिनिस्टर ने चंद दिनों में कहा था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, अल्लाह करे कि ये हो जाए। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश थी कि 10 अप्रैल को जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है उसमें ये पाकिस्तान का केस जो है वो टेकअप हो जाए। अभी मेरे ख्याल में हम उसको मिस कर चुके हैं, मुमकिन नहीं है। अगर आइंदा चंद दिन में फ़र्ज़ किया 30 मार्च या 31 मार्च तक ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया तो तब भी मिड ऑफ अप्रैल के बाद ही ये पाकिस्तान का केस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो नवा जायज़ा है ये दिसंबर में कंप्लीट होना चाहिए था, 10वें जायजे की ड्यू डेट 3 फरवरी थी, 11वां जायज़ा जो लास्ट जायज़ा है उसकी ड्यू डेट 3 मई है, तो 9वें जायजे की डेट भी गुजर गई, 10वें जायजे की डेट भी गुजर गई और अब 11वें जायजा जो है उसकी डेट ड्यू होने वाली है 3 मई से, तो एक और मैस जो है वो क्रिएट है। अगर ये 9वां जायजा कंप्लीट भी हो जाए तो क्या IMF इस बात पे तैयार होगा कि 10वां और 11वां जायजे को इकट्ठा किया जाए, कंबाइंड करके कर लिया जाए? एक 9वें जायजे के लिए जो उन्होंने नाको चने चबवा दिए, क्या ये हुकूमत इसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो एक ऐसा बजट पेश करे कि जो IMF के प्रोग्राम के अहम मुताबिक हो? ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाबात के लिए हमें 1 से 1.5 महीना मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा।
और एक बात मैं आपको और बता दूं, आईएमएफ से जान छूटने वाली नहीं है। जो भी हुकूमत हो पाकिस्तान के अंदर, 30 जून को जब ये आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो हमें एक नए आईएमएफ के प्रोग्राम की अगले माली साल के दौरान जरूरत होगी। आईएमएफ से जान नहीं छूटेगी, तो मुश्किल सूरत हाल के अंदर मुश्किल फैसले क्या ये हुकूमत जो लेम डक गवर्नमेंट है ये कर सकेगी, ये एक सवाल है जिसका जवाब पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। और पॉलिटिक्स की जो बात मैंने आपको स्टार्ट में की थी, वहीं पे मैं अपना इख्तिताम करूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक डायलॉग की जरूरत है, एक मिल बैठकर चार्टर ऑफ सर्टेनिटी की जरूरत है। सर्टेनिटी जब तक नहीं होगी, ना इकॉनमी ठीक होगी, ना पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक होगी। तो मेहताब हैदर को नई वीलॉग तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।